लंबे समय की खींचतान के बाद आखिरकार नवीन कृषि उपज मंडी में सोमवार को भूखंडों की नीलामी शुरू हुई। पहले दिन सोमवार को कुल 92 भूखंडों की नीलामी हुई। 4,50,00,000 रुपए में करीब 92 प्लाटों की नीलामी हुई। पहले दिन 94 भूखंडों की नीलामी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 92 भूखंडों की नीलामी हुई। वहीं नवीन कृषि उपज मंडी में प्रथम चरण के कुल 251 भूखंडों की नीलामी होनी है। 3 दिन तक अलग अलग श्रेणियों में विभिन्न जिन्सों के लिए भूखंडों की नीलामी होगी। नीलामी 3 दिन तक चलेगी, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे दिन अनाज, तिलहन, दलहन, पोस्ता व लहसुन की श्रेणियां बनाकर नीलामी की जाएगी। पहले दिन अनाज व तिलहन के लिए भूखंडों की नीलामी हुई। इसी प्रकार दूसरे दिन दलहन व पोस्ता के लिए भूखंड नीलाम होंगे तथा तीसरे दिन लहसुन के लिए भूखंडों की नीलामी होगी। नीलामी 3 दिन तक चलेगी। सोमवार को निश्चित समय पर चंगेरा स्थित नवीन मंडी प्रांगण में भूखंडों की नीलामी शुरू हुई। नीलामी सायं करीब 6 बजे तक जारी रही। 94 भूखंडों में विभिन्न प्रकार के साइज के प्लाट सम्मिलित किए गए, जिसमें 1500, 1200 तथा 900 वर्ग फुट के भूखंड शामिल थे। अधिकतम 6,63,000 भूखंड नीलाम हुए। वहीं न्यूनतम 3,60,000 रुपए के लगभग भूखंड नीलाम हुए। नीलामी के दौरान करीब 150 व्यापारी नीलामी शेड में उपस्थित हुए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों में SDM ममता खेड़े, उप संचालक प्रतिनिधि के रूप में मंदसौर मंडी सचिव पर्वत सिंह सिसोदिया, इंजीनियर RP सिंह, नीमच मंडी सचिव सतीश पटेल तथा स्थानीय इंजीनियर मौजूद रहे। नीमच मंडी सचिव ने सर्वप्रथम बोली लगाकर नीलामी की शुरुआत की। वहीं व्यापारियों में व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश भारद्वाज, सचिव राजू खंडेलवान, नवल मित्तल, समीप चौधरी सहित कई व्यापारी सम्मिलित हुए। इसके अलावा मंडी प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। नीलामी के दौरान मंडी प्रशासन की ओर से अनाउंस के लिए माइक, पंखे तथा चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। मंडी प्रशासन ने अलग अलग श्रेणियों में भूखंडों की नीलामी सुनिश्चित की, जिसके तहत पहले दिन सोमवार को अनाज व तिलहन वाली जिन्सों के लिए भूखंडों की नीलामी की गई। आज मंगलवार को दलहन व पोस्ता जिन्सों के लिए नीलामी की जाएगी। इसी प्रकार बुधवार को लहसुन के लिए भूखंडों की नीलामी की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया को अ, ब और स 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। चंगेरा स्थित नवीन कृषि उपज मंडी में विभिन्न फसलों के लिए भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। प्रथम चरण में अनाज, तिलहन, दलहन के साथ पोस्ता व लहसुन के लिए भूखंडों की नीलामी हो रही है, जिसमें विभिन्न व्यापारी सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बाद दूसरे चरण में औषधीय व अन्य फसलों के लिए भूखंडों की नीलामी की जाएगी, जिसके लिए आगामी वर्षों में रूपरेखा तैयार कर शासन स्तर पर नीलामी के लिए अनुमति मांगी जाएगी। हाईवे किनारे चंगेरा में नवीन कृषि उपज मंडी प्रस्तावित हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे नवीन मंडी में कार्य प्रारंभ किया गया। सीसी रोड, शेड व कुछ भवनों का निर्माण के साथ आधे से ज्यादा कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं अभी पावर हाउस व अन्य कार्य होने शेष हैं, जो आगामी दिनों तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।